खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने जनपद भ्रमण के दौरान गल्ला मंडी संडीला माधोगंज गौसगंज एवं हरदोई गल्ला मंडी में संचालित सरकारी धान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धान क्रय की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्र प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए कि मंडी में धान लेकर आने वाले प्रत्येक किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न होने दें और बिना किसी दिक्कत किसानों के धान की खरीदी की जाए। उन्होंने डिप्टी आरएमओ अनुराग पांडे को निर्देश दिए कि गल्ला मंडी एवं अन्य क्रय केंद्रों पर सरकारी धान की खरीदी में तेजी लाए और प्रत्येक दिन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार क्रय केंद्रों पर धान की खरीदी की जाए और छोटे किसानों की धान खरीद में प्राथमिकता दें। मुख्य सचिव ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि धान क्रय केंद्रों पर दलालों एवं बिचौलियों को किसी भी दशा में भटकने न दिया जाए और बार बार धान क्रय केंद्रों पर आकर अव्यवस्था एवं अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है उनका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से कराया जाए और धान क्रय केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक काटा, पंखा, छन्नी एवं बोरी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसानों के लिए पैदल बैठने के लिए छाया वाला स्थान आदि की व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान अपर जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह, डीडी कृषि डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार साहू, मंडी सचिव, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम आदि उपस्थित रहे। जो आई है खरीद हो रही है लेकिन इसमें गति देने की आवश्यकता है क्योंकि धान की फसल इस बार अच्छी हुई है और उस अच्छी फसल की वजह से और क्योंकि मार्केट बाहर का जो है वो नीचे चल रहा है तो हमारा ये प्रयास है कि कम से कम धान जो है आढ़तियों को मिले और ख़ासतौर पे जो 1000-1200 के दर पे देने की बात ना आए और हम लोग यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार पूरा 1868 रुपये जो MSP है उस पर पूरी खरीद हो, उनको हमने हिदायत दी है और ये भी कहा है कि एक या दो कम से कम दो केंद्र अलग ही कर दें जो छोटे किसान जो 25-30 क्विंटल लाते हैं उनको लाइन अलग से लगने की वजह से ना लगे, उनको अलग से केंद्र बना दें दो कम से कम जो वहाँ पर वो आएँ और दे के चले जाएँ और इसके अलावा बाकी जगह चल रहा है वो अपनी क्षमता कम से कम 400 एक कांटे पे 400 क्विंटल जरूर बिके और धनराशि का भुगतान 72 घंटे में हो जाए। और जहाँ जहाँ भी ऐसी शिकायत आ रही है कि जहाँ पर जैसे शिकायत ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के में की तो वहाँ पर सदन चेकिंग कराते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी अगर अनियमितता हुई तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई करेंगे। मंडी के अंदर किसान देखिए दो चीज़ें होती हैं ना, अगर क्वालिटी ख़राब है वो तो कहीं भी बेचे या उसको अगर वो धैर्य नहीं है इंतज़ार नहीं कर सकता तो, लेकिन जो आए और यहाँ बेचना चाहे उसको पूरी तरह से यहाँ पूरा फैसिलिटी मिले और उसका दौड़ाया ना जाए, उसको दिन निश्चित करके या तो आ जाए बड़ा किसान या छोटा किसान है उसको अलग से कांटे लग जाए जिससे कि वो जाके बेच के चला जाए, उसकी व्यवस्था हम और बेहतर कराएंगे। यहाँ पे जिलाधिकारी से बात हो चुकी है और ये सुधार, ये पहले जो व्यवस्था थी उससे सुधार हुआ है, बहुत सुधार। यूपी के हरदोई से कैमरामैन नवल किशोर के साथ अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।